हाँ दिया, दो बज गए क्या? देखिए देवर जी आते ही होंगे। टीवी सीरियल्स की हर खबर देगा देश का देवर। दिल्ली से 6 साल पहले लापता हुए सोनू के बांग्लादेश में मिलने और उसके बाद उसे उसके परिवार से मिलाने की आईबीएन 7 की कोशिशें रंग ला रखी हैं। विदेश मंत्रालय के अफसरों ने बांग्लादेश में सोनू से मुलाकात की। इसके बाद सोनू के घर में काफी खुशी है। इतना ही नहीं, सोनू के घर वालों को बधाई देने के लिए आसपास के लोग भी इकट्ठा हो रहे हैं। सोनू की घर वापसी के लिए सरकार ने पूरी ताकत झोंक दी है। सरकार का एक डेलीगेशन सोनू से मुलाकात कर चुका है। आगे की जो प्रक्रिया है वो अब की जाएगी। सबकी कोशिश है कि बहुत जल्द सोनू अपने परिवार के बीच लौट आए, लेकिन ये खबर जैसे ही सामने आई कि सोनू की वतन वापसी का रास्ता धीरे धीरे साफ होता जा रहा है, सोनू के परिवार में एक बार फिर खुशियां लौट आई हैं। मिठाई यहां पर बांटी जा रही है, एक दूसरे को लोग बधाई दे रहे हैं, शुक्रिया अदा कर रहे हैं एक दूसरे का, जो लोग इनके साथ रहे इस पूरी लड़ाई में। बात करते हैं इसमें सोनू के पिता से। सबसे पहले आपने अभी मिठाइयाँ खिलाई एक दूसरे को, कितना अब लग रहा है, कितनी राहत लग रही है कि कितनी जल्दी सोनू आएगा? मेरा बच्चा, मेरे पूरी उम्मीद आने की, और मैं इस खुशी में मिठाई बांट रहा हूँ कि मेरा जल्द से जल्द बच्चा आ जाए। मेरे को अब तसल्ली है, बच्चे की माँ को भी तसल्ली है, और मैं चाहता हूँ कि सब मिल करके मेरा सहयोग करें। और मेरी माँ भी खड़ी हुई यहाँ पे, ठीक है, मेरी बच्चे की मौसी भी खड़ी हुई है, ठीक है, मैं सहयोग करता हूँ, बस जल्दी से जल्दी मेरा बच्चा आ जाए। ये वो परिवार जो पिछले 6 साल से अपने सोनू को पाने के लिए तरस रहा था, उम्मीदें खो चुका था। एक शख्स आपके पास आया भाईजान बनके, पूरा उसने सुराग दिया, रास्ता बताया। ऐसे में क्या लगता है अब आपको, कितनी जल्दी सरकार आपको अपने बच्चे को वापस लौटाएगी? सर, हमें लगता है अब हमें पूरा उम्मीद है कि मेरा दीदी का बच्चा मेरी दीदी को जरूर मिलेगा, और आप लोगों ने हमारा इतना साथ दिया, हम उनसे 100 में 100 उम्मीद करते हैं कि हमें जरूर मिलेगा। और हम इस चैनल के भी शुक्रिया अदा करना चाहते हैं जिन्होंने हमारा इतना साथ दिया, नहीं तो हम जिंदगी में कभी सुषमा स्वराज के पास ना कभी पहुँच पाते, हमारा लेटर किसी डस्टबिन में पड़ा होता, हमारा कोई काम नहीं होता। 6 साल से हमारी ना सुनवाई हुई, ना भी कोई बात हुई। अब हमें लगता है कि हाँ, मेरी दीदी का बच्चा मेरी दीदी को जरूर मिलेगा। बिल्कुल, 6 साल से जो तलाश थी वो अब पूरी होती दिख रही है। सबसे अहम कड़ी इसमें जो सोनू की माँ है उनसे बात करते हैं। 6 साल बीत गए थे, बीच में कल आपने ये बात कही थी कि आप पूरी उम्मीदें आप लोग खो चुके थे, अब क्या कुछ कहना चाहते हैं? मैं कहना चाहती हूँ, मुझे पूरा उम्मीद है मेरा बच्चा मेरे पास लौट के आएगा, सबकी दुआ लग जाएगा जी, मेरा बच्चा 6 साल बाद भारत लौट के आएगा। सुषमा जी ने मेरा साथ, उन्होंने आगे जाके और कार्रवाई करेगा, मेरा बच्चा उन्होंने वादा करा मेरा बच्चा मेरा गोद में देगा, मैं उनसे पूरा उम्मीद रख के बैठी हूँ जो वही मेरा बच्चा ला देगा। आईबीएन 7 वालों ने सब ने मेरा साथ दिया, अगर वो नहीं साथ दे रहे तो हम आगे नहीं जा पाते। उन्होंने पूरा भाई ने सब ने हम लोगों के बहुत साथ दिया। आप लोगों की मैं जानना चाहती हूँ, आप जो है जो साथ दे रहे हैं हमारे बच्चों के लिए बहुत अच्छी बात है, और सरकार के भी हम धन्यवाद करेंगे जब हमारे बच्चा हमारे गोद में आ जाएगा। बस इसके अलावा और क्या बता सकते हैं, 6 साल से तो उम्मीद खो ही चुके थे, बहुत ही कोशिश करा, टीवी में दिए, सब में दिए थे। बीच में आपने ये भी बात कही थी कल की कई बार कुछ गलत ख्याल भी आते थे मन में आप लोग? हाँ, बहुत लोग बोलते थे बच्चा नहीं है, मर गया, लेकिन मैं पूरा यकीन था मेरा बच्चा जिंदा है, कभी ना कभी तो मेरे पास जरूर मेरे गोद में आया था, मेरा दिल में गवाह देता था मेरा बच्चा है, लेकिन मैं खाली ऊपर वाले के नाम पे छोड़ दिया। जे ऊपर वाला अगर है दुनिया में तो जरूर मेरे पास वो ला के देगा। आज ऊपर वाले ने मेरा आवाज़ सुन लिया, मेरे पास मेरे बेटे से भी बात करवाया, मेरा बच्चा मेरे पास आने के लिए बहुत कष्ट कर रहा है। सुबह भी मेरे बच्चे से बात हुआ है, कह मम्मी कब आओगे, मुझे कब ले जाओगे, मैंने बोला बेटा 2 टेस्ट है वो हो जाएगा फिर तेरे पास तुझे लेके आएगा मुझे पास, सरकार ने बहुत जल्द तू मेरे पास आए। मर जाता है, सबर होता सबको है। मैं सबसे विनती करती हूँ मेरा बच्चा सब मिलके मेरे साथ दे, मेरे औलाद मेरे पास आ जाए। मैं सब लोगों मेरे मोहल्ले वाले से सबसे भीख मांगती हूँ मेरे औलाद के लिए जी, मेरे बच्चा इन 6 सालों में मैं तो बिल्कुल ही टूट गया था, किसी के पास मैंने आंसू नहीं बहाया, किसी के पास जाके बोला नहीं, खाली ऊपर वाले को बोला अगर दुनिया में है ऊपर वाला तो जरूर मेरा आवाज सुन के मेरे पास डाल देना, मैं उन्हीं की भरोसा में ही बैठी थी। इस बीच आईबीएन 7 की मुहिम के बाद सरकार ने सोनू को भारत लाने की कवायद तेज कर दी है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की पहल के बाद सोनू से मिलने भारतीय हाई कमीशन के अफसर देर रात सोनू से बांग्लादेश के शहर जसौर में मिले और तस्वीरें भी ट्वीट की।
विदेश मंत्री ने ट्वीट कर जानकारी दी कि पहले सोनू का डीएनए टेस्ट कराया जाएगा और अगर डीएनए टेस्ट पॉजिटिव पाया जाता है तो सोनू को भारत लाया जाएगा और इसमें किसी तरह की देरी नहीं होगी। आईबीएन 7 पर खबर दिखाए जाने के बाद ही आपको बता दें कि विदेश मंत्रालय ने सोनू के परिवार को बुलाया और जल्द से जल्द सोनू को परिवार से मिलाने का भरोसा दिया। दिल्ली का ही एक परिवार है जो दावा कर रहा है कि सोनू उन्हीं का बेटा है और 5 साल पहले एक मामूली झगड़े के बाद उनकी पड़ोसी महिला जो है वो अगवा कर उसे बांग्लादेश ले गई थी। और अब आइए हम आपको दिखाते हैं मासूम सोनू की दो तस्वीरें। पहली तस्वीर जो आप देख पा रहे हैं वो उस वक्त की है जब सोनू दिल्ली से लापता हुआ था, यानी आज से 6 साल पहले की तस्वीर। दूसरी तरफ जब आप देख रहे हैं वो आज जब सोनू बांग्लादेश में है इस वक्त 6 साल बाद की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। क्या कुछ डेवलपमेंट इस खबर पर, क्या अपडेट्स मिल पा रही है, जानने के लिए सीधे बात करते हैं ब्रजेश तिवारी हमारे सहयोगी जो लगातार इस खबर को कवर कर रहे हैं। ब्रजेश, क्या डेवलपमेंट इस पूरी खबर पर, क्या अपडेट्स आप तक मिल पा रही है? बिल्कुल, देखिए इस पूरे मामले जो कानूनी प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। बहुत जल्द अब सोनू का और सोनू के माँ बाप का डीएनए टेस्ट कराया जाएगा और जैसे ही डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट आती है ये बिल्कुल साफ हो पाएगा, तब उसके बाद वो तारीख का ऐलान किया जाएगा कि आखिरकार सोनू किस वक्त अपने परिवार के साथ, किस दिन अपने परिवार के पास लौटेगा। लेकिन इस बीच ये पूरी खबर, ये पूरी पॉजिटिव खबर जब परिवार के पास पहुँची, परिवार ने आज जश्न मनाया, मिठाइयाँ बांटी गई और सोनू की जो माँ है आज उनकी सोनू से बात भी हुई है। सुबह क्या बात हुई सोनू से आपकी? सुबह मैंने बोला बेटा कड़ी मम्मी आप कब मेरे कब तक बने, बेटा मैं आ रहा हूँ और तुम किसी से मिलना नहीं है, तुम खाली तुम्हें जो यहाँ से जो ऑफिसर गए जो जो तुम्हारे साथ हुआ सारी बात उनको बोलना, क्या क्या तुमने, तुम्हें कैसे लेके गया, क्या करा, सारी बात तुम उन्हें बोलना। बिल्कुल बात हुई, लेकिन इन सब के बीच अभी भी जो कानूनी प्रक्रिया है वो चल रही है, वो सबसे अहम कड़ी रहेगी कि जब रिपोर्ट्स आएंगी और रिपोर्ट्स आने के बाद ही सोनू की वापसी का जो रास्ता है वो साफ हो पाएगा। शुक्रिया फिलहाल ब्रजेश, इससे तमाम जानकारी के लिए आपका, हम समय समय पर आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे।